हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम देखने वाले हैं साइटोस्केलेटन का एक टाइप दैट इज एक्टिन फिलामेंट के बारे में। सबसे पहले अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें, साइटोस्केलेटन क्या होता है, क्या काम करता है। जैसे कि अगर हम एक ह्यूमन की बॉडी को कंसिडर करें तो ह्यूमन की बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होती है, और बोन्स का काम क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी में उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना, शेप मेंटेन करना, हमारा लोकोमोशन करवाना, मूवमेंट करवाना। इसी तरीके से साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का स्केलेटन, ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल को बहुत सारे फंक्शंस करने में मदद करते हैं। जैसे कि ये सेल की शेप मेंटेन करते हैं, सेल का साइज मेंटेन करने में मदद करते हैं। सेल जब डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक सेल से जब दो सेल बन रहे होते हैं, तो इसमें भी उनका रोल आता है। उसी के साथ साथ अगर सेल ग्रो कर रहा है तो इसमें भी इन्हीं का ही रोल आता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें साइटोस्केलेटन के रोल आएगा, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। बेसिकली ये सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम यहाँ पर साइटोस्केलेटन के मेजर तीन टाइप देखें, तो साइटोस्केलेटन के पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट, इसका जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और जो इसका तीसरा टाइप होता है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों के तीनों मेजर टाइप हैं साइटोस्केलेटन के। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से पूरे सेल में बिखरे होते हैं, तो किस तरीके से कितना एसेंशियल रोल प्ले कर रहे होंगे इसमें। अगर हम सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट की बात करें, जिसमें आज के लेक्चर में हम एक्टिन को देखने वाले हैं, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखें, उसी के साथ साथ ही सेल का जो लोकोमोशन होगा उसमें भी इनका रोल आता है, लोकोमोशन करवाने में भी ये हेल्प करेंगे। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें, तो माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा तब ये हेल्प करता है, उसी के साथ साथ इंट्रासेल्युलर मूवमेंट में हेल्प करता है। इंट्रासेल्युलर मूवमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनेल को सेल की इस जगह से उस जगह पे जाना है, या किसी वेसिकल को सेल में ही मूव करना है, तो उस कंडीशन में माइक्रोट्यूब्यूल का रोल लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो सेल में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसका काम होता है सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आज का जो लेक्चर है, जैसा कि मैंने कहा, उसमें हम देखने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के बारे में। सबसे पहले अगर हम एक्टिन देखें, तो एज इट वी नो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर ये मोनोमर से बने होते हैं, बहुत सारे जो मोनोमर साथ में ज्वाइन होते हैं और एक्टिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जो मोनोमर होता है वो सेम होता है, जिसका नाम होता है जी एक्टिन। जी से मतलब क्या है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये जी एक्टिन जो होता है ये एक साथ ज्वाइन होता है और एक्टिन का स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें इन टोटल 375 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ये जी एक्टिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक एक्टिन में एक ही टाइप का ही जी एक्टिन प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये टोटल जी एक्टिन टोटल तीन टाइप के हो सकते हैं, अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है, या फिर गामा भी हो सकता है, जिसमें अल्फा वाले जो जी एक्टिन है वो प्रेजेंट होते हैं मसल सेल में, और मसल सेल में ये सिंथेसिस करते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल की। वही जो बीटा और गामा है ये नॉन मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन नॉन मसल सेल। हमें पता है, जैसे कि 12th में भी हमने पढ़ा था, 11th-12th में, कि एक्टिन और मायोसिन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, तो ये वही वाला एक्टिन है। यहाँ पर ये जो जी एक्टिन है, इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम फोकस करें, तो यहाँ पर इसके पास एक साइट प्रेजेंट होती है, जिस साइट पे पर्टिकुलरली या तो ATP बाइंड कर सकता है या फिर ADP बाइंड कर सकता है। पर्टिकुलरली इन दोनों में से कोई एक चीज़ बाइंड करेगी, इसको ATP बाइंडिंग क्लेफ्ट भी कहते हैं। इस पोजिशन यहाँ पर अगर ये जो जी एक्टिन है बाइंड कर रहा है इन दोनों में से किसी से भी, तो उसके लिए इसको कॉम्प्लेक्स में आना पड़ेगा Mg2 पॉजिटिव के साथ। यानी कि Mg2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, उसी की प्रेजेंस में ATP और ADP बाइंड हो पाएंगे माइक्रोफिलामेंट के साथ। अगर हम यहाँ पर आगे देखें कि किस तरीके से ज्वाइन होते हैं और किस तरीके से ये एक्टिन मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ये जो जी एक्टिन है जो कि ATP से ज्वाइन है, ये क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे एक के बाद एक जी एक्टिन ऐड होंगे और एक ऐसा सा स्ट्रक्चर, फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर बना देंगे। कहने का क्या मतलब है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर हेड टू टेल ये ज्वाइन होते हैं, एक के बाद एक हेड टू टेल इस तरीके से ज्वाइन होते रहते हैं, और किसकी सिंथेसिस करेंगे, ये सिंथेसिस करेंगे एक्टिन मॉलिक्यूल की।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऐसी दो चेन बना के उनको ऐसे कॉइल किया। तो यस, यहाँ पे इन टोटल दो चेन प्रेजेंट होती है जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर में कॉइल होती है और राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में कॉइल होती है। इस तरीके से कॉइल होके ये स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन मॉलिक्यूल। एफ से क्या मतलब होता है? एफ से मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन मॉलिक्यूल। ये होता है, अगर हम यहाँ पर इधर स्ट्रक्चर देख ले तो आप इधर देख सकते हैं ये एक्टिन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल होता है इसकी जो डायामीटर है वो टोटल 8 नैनोमीटर होती है। एक्टिन मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है, एक्टिन मॉलिक्यूल जो है वो टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है। यहाँ पर इसकी एक पॉजिटिव एंड होता है और इसका एक नेगेटिव एंड होता है। अब ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है? सबसे पहले पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड की वजह से हमें पता चल गया कि एक्टिन मॉलिक्यूलर के पास पोलैरिटी तो भाई प्रेजेंट होती है। अब ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के दो रीजंस होते हैं जिसमें से सबसे पहला रीजन ये है कि जो पॉजिटिव एंड होता है ना उसमें जो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है वो अंदर की तरफ होती है। इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ अंदर की तरफ, मतलब जो दूसरा जी एक्टिन मॉलिक्यूल है वो उसको कवर करके रखता है। ये वाली जो साइट है ये कौन सी है? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर ये वाली साइट दूसरे जी एक्टिन मॉलिक्यूल ने कवर करके रखी है तो यहाँ पर ये नॉन एक्सपोज होती है। नॉन एक्सपोज होने की वजह से ये वाला जो शेप होता है कैसा होता है? बार्ब्ड शेप का होता है और इस वाली लोकेशन को बोला जाता है पॉजिटिव एंड। वहीं अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहे तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आ गया नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइट में ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है ये एक्सपोज होती है, एक्सपोज होती है, इसलिए इसको नेगेटिव एंड बोलते हैं और पॉइंटेड एंड बोलते हैं। इसका एक और रीजन है जिसके बारे में अभी हमें इन सम टाइम पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है? ये पोलार मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होती है, नेगेटिव एंड पॉइंटेड और पॉजिटिव एंड बार्ब्ड एंड। इफ वी मूव फर्दर, अगर हम इसके बारे में आगे देखें, जैसा कि मैंने कहा एक्टिन मॉलिक्यूल जो स्टैटिक नहीं होता, ये टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें इसकी सिंथेसिस को तो इसकी सिंथेसिस होने के लिए टोटल 3 फेसेस लगते हैं। सबसे पहले वाले फेस को बोलते हैं न्यूक्लिएशन फेस, जहाँ पे शुरुआत हो रही है और ये बहुत ही स्लो फेज होता है क्योंकि ये अनस्टेबल फेस से होके गुजरता है। उसके बाद अगर एक बार न्यूक्लिएशन फेज आ गया तो एक्सपोनेंशियल फेज होता है जो कि फटाफट 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 बढ़ते जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे स्टेडी फेस होता है यानी कि स्टेबल फेस, जहाँ पे जो वेट है इस एक्टिन मॉलिक्यूल का वो कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले न्यूक्लिएशन फेस में क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे जी एक्टिन मॉलिक्यूल आएंगे और एक साथ असेंबल होने की कोशिश करेंगे। असेंबल होके क्या बनाने की कोशिश करेंगे? ओलिगोमर बनाने की कोशिश करेंगे जो कि अनस्टेबल होगा, ये टूटेगा, बनेगा, फिर से टूटेगा, बनेगा, तो इसमें टाइम जाएगा। एक बार यहाँ पे अगर 3 जी एक्टिन मॉलिक्यूल आके ज्वाइन हो गए या फिर यहाँ पर 4 जी एक्टिन मॉलिक्यूल आके ज्वाइन हो गए, आइदर 3 सब यूनिट यहाँ पे आ गई और आइदर यहाँ पे 4 सब यूनिट आके ज्वाइन हो गई है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा स्टेबल और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियाई। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियाई पे आके या फिर न्यूक्लियस पे आके और जी एक्टिन फटाफट ऐड हो सकते हैं, अब टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ऐड हो गए। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब यहाँ पर इस तरफ से भी आके ऐड होंगे, इस तरफ से भी आके ऐड होंगे, दोनों तरफ से यहाँ पे एडिशन होती रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर एडिशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बोल देती हूँ पॉजिटिव एंड और यहाँ पर इस तरफ से भी आके एडिशन हो रही है तो इस तरफ वाले को मैं बोल देती हूँ नेगेटिव एंड। तो ये एक्सपोनेंशियल फेज होता है जो कि काफ़ी फास्ट चलता है और जल्दी 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 होगा। आफ्टर अ टाइम एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर जितने जी एक्टिन ऐड हो रहे हैं उतने ही जी एक्टिन का रिमूवल भी होता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये ऐड हो रहे हैं तो इनका रिमूवल भी होना बनता है, एज आई ऑलरेडी से कि ये जो है ये कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, बनता है, टूटता है। तो यहाँ पर स्टेडी फेस में क्या होगा? दोनों ही तरफ नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे भी जितने जी एक्टिन निकल रहे होंगे उतने ही जी एक्टिन ऐड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से 1 निकल रहा है तो 1 ही ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल 2 ऐड हो रहे हैं तो 2 निकलेंगे,
मतलब ये क्या चल रहा है, एक तरीके से पूरा स्टेडी फेस चल रहा है, जितने ऐड हो रहे हैं मतलब पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो डीपॉलीमराइजेशन के रेट के इक्वल होगा, जितने ऐड हुए उतने ही रिमूव हुए, पॉलीमराइजेशन यानी कि एडिशन, डीपॉलीमराइजेशन यानी कि रिमूवल। इस स्टेडी फेस पे बहुत सारे जी एक्टिन बाहर भी प्रेजेंट होंगे, ऐसे जी एक्टिन जो कि कैसे अनअसेंबल्ड है। मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ पर जो हमने स्टेडी फेस देखा उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे जी एक्टिन अनअसेंबल्ड प्रेजेंट होंगे। अनअसेंबल्ड मतलब फ्री, जो कि अभी उस एफ एक्टिन में फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे जी एक्टिन जो कि अनअसेंबल्ड है किस कंडीशन में, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अनअसेंबल्ड है स्टेडी फेज में, उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है, जो कि जी एक्टिन की है अनअसेंबल्ड जी एक्टिन की स्टेडी फेज। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। हम यहाँ पर पहले ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास दो ग्राफ है। सबसे पहले ग्राफ को हम कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ को कंसीडर किया जाए, ए नंबर वाले ग्राफ को, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले चल रहा है लैग फेज, दैट इज न्यूक्लिएशन फेज, जो कि काफ़ी स्लो होता है क्योंकि न्यूक्लियस बनने में टाइम लगता है। एक बार अगर न्यूक्लियस बन गया, अगर एक बार ऑलिगोमर बन गया, तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज चलेगा और फटाफट ग्रोथ हो जाएगी। फाइनली एक स्टेडी फेस आ जाएगा जिसमें जितने ऐड हो रहे हैं उतने ही रिमूव होंगे और यहाँ पर ये जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा एक्टिन का, और यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगी मोनोमर्स की, उसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने यहाँ पर देखा कि फॉर एग्जाम्पल, ये पहला ग्राफ है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बने बनाए न्यूक्लियाई को ऐड कर दिया, मतलब वो जो न्यूक्लियाई बनाने की मशक्कत थी, पहले बनाओ फिर नहीं बन रहा था, स्टेबल नहीं हो रहा था, मतलब वो जो हमने मशक्कत थी वो हटा दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें कोई लैग फेस नहीं मिलेगा, नो लैग फेस, उसमें हमें सीधा एक्सपोनेंशियल फेस मिलेगा, दैट इज ग्रोथ फेस, और उसके बाद सीधा स्टेडी फेस मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी होगी। बस शर्त क्या है, हमें सॉल्ट का एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि Mg2 पॉजिटिव का एडिशन जरूरी है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ATP उससे, या ATP या ADP तभी ज्वाइन हो पाएगा जब Mg2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ देख लें, एक बार फिर से अगर हम बनाने की कोशिश कर लें, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल हमने न्यूक्लियाई का एडिशन कर लिया तो ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ऐसा जाएगा। वहीं अगर हमने न्यूक्लियाई का एडिशन नहीं किया तब ग्राफ किस तरीके से जाएगा, तब ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन है जिसमें नो न्यूक्लियाई इज एडेड, तो इसमें आ रहा है लैग फेज। वही ये वाली कंडीशन कौन सी है जिसमें हमने न्यूक्लियाई को ऐड कर दिया था, तो इसमें लैग फेज नहीं आया। इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी बात चलती है। अब अगर हम उसी पूरी फिर से उस बात पे आ जाए कि मैंने आपको कहा था कि एक पॉजिटिव एंड प्रेजेंट होता है और एक नेगेटिव एंड प्रेजेंट होता है, मैंने कहा था उसके दो रीजन है जिसमें से एक रीजन हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंडीशन। अगर हम यहाँ पे फिर से कॉन्सेंट्रेट करें उसी स्ट्रक्चर पे, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं, तो यहाँ पर जब देखा गया तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये जो पॉजिटिव एंड है इस पे एडिशन जो हो रहा है, एडिशन यानी कि जो जी एक्टिन का एडिशन होता है वो 6 times फास्टर हो रहा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव साइड पे जो एडिशन हो रहा है। नेगेटिव साइड पे एडिशन होने के रेट से पॉजिटिव साइड पे जो एडिशन हो रहा है वो 6 times फास्टर है। ये हम इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसका नाम होता है कैपिंग एक्सपेरिमेंट। कैपिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं किया जाएगा, प्रोटीन को लिया जाएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे उसको कवर कर दिया जाएगा। इस तरीके से कवर करता है वो कि वो कोई एडिशन भी नहीं अलाउ करेगा, कोई डिलीशन भी नहीं अलाउ करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैंने कैपिंग एक्सपेरिमेंट किया और पहली कंडीशन में मैंने क्या किया, पहली कंडीशन में मैंने नेगेटिव एंड को कैप कर दिया। अगर मैंने नेगेटिव एंड को कैप कर दिया इस तरीके से, तो नेगेटिव एंड पे ना ही तो कोई एडिशन चलेगा और ना ही यहाँ पे कोई डिलीशन होगा, लेकिन पॉजिटिव एंड पे वो सारी कंडीशन सब की सब नॉर्मली चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और यहाँ पर डिलीशन भी हो रहा है, ठीक है। वही अगर हम नेगेटिव एंड पे देखें तो यहाँ पर जो एडिशन और डिलीशन हो रहा है ये नहीं हो पाएगा, इसमें अगर हमने देखा।
वहीं हमने यहाँ पर सेकंड कंडीशन में देखा जिसमें हमने पॉजिटिव एंड को कैप किया, पॉजिटिव एंड को कैप किया। दोनों ही कंडीशन में हमने देखा कि किसमें रेट जो है फास्टर आ रहा है। तो पहली वाली कंडीशन में जो रेट था वो काफी स्लो था, एज इन 6 times स्लो था एज कंपेयर टू पॉजिटिव एंड। यहाँ पर ना ही एडिशन हो पा रहा है ना ही डिलीशन हो पा रहा है, लेकिन इस तरफ से एडिशन भी होगा और डिलीशन भी होगा। तो जब इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर किया गया तब यहाँ पर पॉजिटिव एंड पे जो एडिशन था वो फास्टर था, वहीं नेगेटिव एंड पे, नेगेटिव एंड के कंपैरेटिवली जो रेट था वो काफ़ी फास्टर था, इनफैक्ट 6 times फास्टर था। अगर यहाँ पर 1 minute में, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे 1 minute में 6 जी एक्टिन ऐड हो रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 जी एक्टिन ऐड हो रहा था 1 मिनट में। आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं 6 times। इधर अगर 12 हो रहे थे तो इधर 2 हो रहे थे सेम टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पर फाइंड आउट किया गया कि इन दोनों ही पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड की जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पर नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड की जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कैसी अलग है। जो नेगेटिव एंड की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव एंड से ज़्यादा होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड है उसकी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 μm, तो वहीं यहाँ पर नेगेटिव साइड की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन उससे 6 times ज़्यादा होगी, यानी कि 0.6 μm। ठीक है, हमने क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहा था, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे जितने ऐड हो रहे हैं उतने ही रिमूव हो रहे हैं, यानी कि उस कंडीशन में इसका जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है ये स्टेबल रहेगा। अब समझो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सॉल्यूशन में अमाउंट मोनोमर का बढ़ा दिया, मोनोमर यानी कि जी एक्टिन का बढ़ा दिया और मैंने उनका अमाउंट कर दिया 0.2 μm। ठीक है, यानी कि अब मैंने स्टेडी कंडीशन से थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एडिशन बढ़ जाएगा। एडिशन क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से मैंने कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दी तो यहाँ पे एडिशन होगा, स्टेडी फेज की जगह यहाँ पे एडिशन 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 होता जाएगा। वहीं यहाँ पर एडिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इस तरफ क्या मेंटेन है, इस तरफ फिलहाल स्टेडी कंडीशन मेंटेन। तो इस तरीके से हम 3 conditions लेके इसको और अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर कहा कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगर मैंने लिया मोनोमर की जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में या जो भी है वो ज़्यादा है, वो किससे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वो 0.1 μm से ज़्यादा है। और 0.1 μm क्या है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन किसकी, पॉजिटिव एंड। तो मैंने क्या बोला कि मैंने सॉल्यूशन में ज़्यादा मोनोमर प्रोवाइड कर दिए। अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा मोनोमर प्रोवाइड कर दिए तो पॉजिटिव एंड पे क्या होगा, पॉजिटिव एंड पे एडिशन होना शुरू कर जाएगा, पॉजिटिव एंड पे एडिशन होगा लेकिन नेगेटिव एंड पे कोई एडिशन नहीं होगा, नो एडिशन ऑन नेगेटिव साइड, राइट। अब मैंने सेकेंड कंडीशन ली जिसमें मैंने मोनोमर का जो अमाउंट है, मोनोमर यानी कि फ्री जो मोनोमर का अमाउंट है उसकी वैल्यू को क्या किया, मैंने उसकी वैल्यू को ज़्यादा कर दिया 0.1 μm से, जैसा कि मैंने पहले किया था, लेकिन स्टिल मैंने उसको कम रखा 0.6 μm से, यानी कि मैंने उसको कितना रखा, इन बिटवीन रखा, पॉजिटिव वाली क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा, नेगेटिव वाली क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पॉजिटिव साइड पे ऑब्वियसली एडिशन चलती रहेगी क्योंकि उससे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहीं यहाँ पर नेगेटिव साइड पे कोई एडिशन नहीं होगी, नो एडिशन। अगर आपको नेगेटिव साइड पे एडिशन करवानी है तो मोनोमर का जो अमाउंट है वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के पार होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। वहीं अगर हमने तीसरा कंडीशन लिया जिसमें हमने मोनोमर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा कर दिया 0.6 μm से, बस इसी कंडीशन में बोथ साइड पे एडिशन चलेगी, सिर्फ इसी कंडीशन में बोथ साइड पे जो एडिशन है वो होगी और एल्स एडिशन नहीं होगी। तो इस तरीके से हम 3 experiments करके हमें पता चला कि ओके, जो पॉजिटिव एंड है वो जल्दी जल्दी ऐड हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि CC जो है पॉजिटिव एंड का वो लोअर होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव एंड।
एज कम्पेयर टू नेगेटिव एंड, उसको टाइम लगता है, इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए स्लोली स्लोली ऐड करेगा, वही पॉजिटिव वाला फटाफट ऐड कर लेगा, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पार हो चुकी है, जल्दी पार हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का केस चलता है। यहीं पे ही अगर हम आगे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करें और ये सेकंड वाले को हम ध्यान से देखें, तो सेकंड वाले में हमने क्या किया है, सेकंड वाले में जो मोनोमर का अमाउंट है सॉल्यूशन में वो ज़्यादा है 0.1 म्यू एम से, यानी कि सीसी पॉजिटिव वाले से ज़्यादा है, वहीं वो कम है 0.6 म्यू एम से, सीसी नेगेटिव से क्या है वो कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पॉजिटिव साइड पे तो फट एडिशन होती जाती है। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ऐसा इस तरीके से डायग्राम बनाऊं तो पॉजिटिव साइड पे तो क्या होगी, फटाफट एडिशन होती जाएगी, लेकिन नेगेटिव साइड पे तो कंपैरेटिवली इतनी एडिशन नहीं हो रही, तो नेगेटिव साइड पे क्या होता जाएगा, नेगेटिव साइड पे रिमूवल होता जाएगा। यानी कि पॉजिटिव साइड पे क्या चल रहा है, पॉजिटिव साइड पे तो पॉलीमराइजेशन चल रहा है, वहीं नेगेटिव साइड पे क्या चल रहा है, डीपॉलीमराइजेशन चल रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रेडमिल चल रही है, यहाँ पर क्या चल रही है, एक ट्रेडमिल चल रही है, यहाँ से जी एक्टिन निकले, फिर यहाँ पर जी एक्टिन गए, फिर यहाँ पर इस तरीके से मूव करे, फिर नीचे आ गए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से आपने किसी जी एक्टिन को ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर कोई जी एक्टिन पहले से ही प्रेजेंट था, इस तरीके से ये प्रेजेंट थे, ये इस तरीके से पहले से प्रेजेंट थे, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप और ऐड किए जा रहे हो, अगर आप और ऐड किए जाओगे तो ये ग्रीन वाला जो है ये और आगे पहुँच जाएगा और धीरे 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 ये जो ब्लैक वाले थे वो निकलते जाएंगे, ब्लैक वाले बाहर निकलते जाएंगे, तो यहाँ पर फिर यहाँ पे फिर से ब्लैक वाले आएंगे और फिर से ऐड होगा। तो ये कैसा लगता है, ये ऐसा लगता है कि एक ट्रेडमिल चल रही है जिसमें आगे आगे यहाँ से इस तरफ जाता है, फिर बाहर निकल आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर बाहर निकल आता है। इसमें एक और बात भी आती है कि जैसे ही यहाँ पर जी एक्टिन एटीपी की फॉर्म में ऐड होता है ना, यहाँ पर जैसे ही ये जी एक्टिन एटीपी की फॉर्म में ऐड होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। इसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से इसका धीरे 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 रिमूवल होता जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे एडिशन हो रहे थे, किसके, ये सब येल्लो यानी कि जी एक्टिन जिनके पास एटीपी अटैच है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से मूव कर रहे जा रहे हैं, इस तरफ मूव किए जा रहे हैं, और इनका क्या हो रहा है, इनका एटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी होते जा रहा है। तो इस तरफ यानी कि नेगेटिव साइड में कौन से प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव साइड में वो वाले जी एक्टिन प्रेजेंट होंगे जिनके पास एडीपी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जी एक्टिन कौन से हैं, जिनके पास एडीपी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला जीडीपी है, सॉरी नेगेटिव वाला जी एक्टिन है जिसके पास एडीपी अटैच है, वो रिमूव हो जाएगा। इसके रिमूव होने के बाद अब क्या होगा, एडीपी को निकाल दिया जाएगा, एडीपी की जगह किसको ऐड कर दिया जाएगा, एटीपी को ऐड कर दिया जाएगा। ये किस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा जी एक्टिन जिसके पास एटीपी अटैच है। फिर से यहाँ पे आके क्या करेगा, ये ज्वाइन होगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, येल्लो 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 बनते जाएंगे और ग्रीन 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 वाले कहाँ पर आ जाएंगे, ग्रीन 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 वाले नेगेटिव साइड पर आते जाएंगे, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन चलती रही है और इसी कंडीशन को बोलते हैं ट्रेडमिल। ट्रेडमिल कब होगा, जब सीसी का जो जब मोनोमर का अमाउंट है वो दोनों के दोनों सीसी के बीच में है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो माइग्रेशन चलता रहा है जी एक्टिन का पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ से जी एक्टिन विद एडीपी रिमूव होते जा रहे हैं, यहाँ पर जी एक्टिन विद एटीपी ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रेडमिल चलता रहेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट का या फिर माइक्रोफिलामेंट का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।